तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं एक बांग्ला सॉन्ग के ऊपर जिसका नाम है तुम्हार अमर प्रेम। तो बस आज की इस वीडियो में हम इसी सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। भाई, ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम इस सॉन्ग के ऊपर जाकर रिएक्शन करें, तो बस आज की वीडियो हम स्पेशली उनके लिए ही बना रहे हैं। तो गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक शेयर और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ जिसने सब्सक्राइब कर लिया तो अब वहाँ पर ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, तो भाई उसे ज्वाइन भी कर लेना, क्योंकि उससे हमारी हेल्प हो जाएगी, हमें सपोर्ट मिलेगी, इसलिए ज्वाइन का बटन भी जरूर से दबा देना। तो चलो आप जल्दी से जाते हैं स्क्रीन पर और रिएक्ट करते हैं इस सॉन्ग के ऊपर, आखिर कैसा सॉन्ग है। तो चलो 1 2 3 गो। इनका गाना शायद सुना था हमने, ये इस हीरोइन का, वो शादी वाला। जो बुझिली ओई चोखेर चावाते प्रेमा जो देखिनी दूरे तबु दूरे सरे थाकते पारिनी काछे एसे केनो काछे आसते पारिनी आमी आजो बुझिनी तोमार आमार प्रेम आमी आजो बुझिनी थोड़ा सैड भी लग रहा है। সুরে গানে কবিতায় তোমাকে খোঁজে মন তবু হায় তুমি দাও না ধরা আচ্ছা প্যার ইসসে দা লেকিন শাদি কেহি অর হই থেমে যাই আরো একা এই জীবন মনে হয় থাকি দিশে হারা মনের অনুরাগে বাজে কোন রাগিনী কাছে এসে কেন আসতে পারিনি আমি আজ বুঝিনি চাওয়াতে প্রেম আজো দেখিনি কমে না তবু ভালোবাসা ও মেঘে মেঘে ঢাকা দু চোখে আশা রোদ ওঠে না কাটে না ধোয়া ধোয়া কুয়াশা বুকে ব্যথা দাগে লেখো এ কোন কাহিনী কেন কাছে আসতে পারিনি আমি আজ তোমার আমার প্রেম আমি আজও বুঝিনি ওই চোখের চাওয়াতে প্রেম আজও দেখিনি লড়কি আজ প্রেটেন্ড করি নি রে কি সে সাথে কুছ থাবি তো ভাই ये था गाना जोश तुम्हार अमर प्रेम। और भाई जो कि कैसा सॉन्ग था, सैड सॉन्ग था यार ये शायद से, क्योंकि एक वो बोलते हैं वन साइडेड लव भी हो सकता है, नहीं मुझे लगा तो नहीं, क्योंकि जब वो कुल्फियां मांगना फिर वो रोना वो कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि लड़की ने की जो वो नहीं थी आदर्श क्या बोलते हैं मेमोरी वो उड़ गई है और उनसे कुछ नहीं पता लड़के के बारे में, एक्चुअली में लड़का कौन था क्या नहीं था, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि हाँ एक्चुअली में लड़का क्या मतलब लड़के को कैसा फील हो
रहा है, उसकी तो एंगेजमेंट हो रही है कि क्या कुछ वैसा ही है, लड़की की एंगेजमेंट हो रही है, लेकिन सैड सॉन्ग था, लड़की की एंगेजमेंट हो रही है, उसके मुंह पे जीरो फीलिंग है, मतलब उसको पता ही नहीं है कि ये कौन था क्या नहीं था, लेकिन इसको बुरा लग रहा था, तो कुछ ऐसा ही सॉन्ग था, तो मैं अमर प्रेम आसी आजी बुझू नहीं। और इसकी जो बात करें इसके लिरिक्स या इसके सिंगिंग गाने की बात करें, तो भाई इसकी जो म्यूजिक था ना, म्यूजिक बहुत स्मूथ था और गाना भी बड़े स्मूथली गाया गया है, एक ऑब्वियस। और ये शायद सिंगर वही है जुबिन गर्ग, शायद ये सिंगर है, और भाई काफी अच्छा प्यारा सॉन्ग था, मतलब ये बहुत प्यारा सॉन्ग था, मतलब हार्ट टचिंग सॉन्ग था थोड़ा। पहले ये दिखाया गया कि हाँ थोड़ी इनकी लव स्टोरी को दिखाया गया, अचानक से ये दिखाया गया कि इसकी जो शादी है वो दूसरे लड़के के साथ हो रही है और लड़की को उतना कोई मतलब कि उतना पता नहीं है कि है क्या, कोई पता नहीं, हमें खुद पता नहीं चला कि क्या नहीं था, क्योंकि एक प्रॉपर स्टोरी नहीं दिखाई गई है कि क्या हो था क्या नहीं था, क्योंकि लड़की ऐसे प्रिटेंड करेगी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ वही ऐसा कुछ था। बाकी गाने की बात करें तो भाई सिंगर ने काफी अच्छा गाया है, मतलब अच्छा गाया, सिंगिंग और म्यूजिक काफी प्यारा था यार, काफी मतलब कि स्मूथ म्यूजिक था यार। तो भाई बाकी आप सबको ये सॉन्ग कैसा लगा, अपना ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करना। तो चलिए आज की गपशप यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट होता है चैनल को सब्सक्राइब करना, जो कि आप कर नहीं रहे हो। सब्सक्राइब कर ज्वाइन करना होता है यार, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो चलो जल्दी से कर लो। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।